नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रीवा में गौ तस्कर पुलिस से बचने गौ तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत खरपटा गांव से सामने आया है, जहां गौ तस्कर एम्बुलेंस में गौवंश ले जा रहे थे। गांव के पास देर रात गौवंश से भरी एक एम्बुलेंस AP09TA1162 पलट गई। गांव वालों ने सोचा कि किसी मरीज की जान खतरे में है, जिसके चलते ग्रामीणों ने तुरंत डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब एम्बुलेंस को खोला तो उन्हें एम्बुलेंस में बंद 8 गौवंश मिले, जिनमें से 3 की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना की जानकारी डायल 100 पुलिस ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे SDOP और थाना प्रभारी JCB की मदद से एम्बुलेंस को थाने ले आए। उसमें मौजूद मवेशियों को बाहर निकाला और मृत हुए गौवंश को PM के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौ तस्करों ने बचने के लिए यह नया तरीका अपनाया था, लेकिन एम्बुलेंस के पलटने से भांडा फोड़ हो गया। सर, ये जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एम्बुलेंस में गौवंश तस्करी का मामला सामने है, क्या पूरी तरह? एम्बुलेंस के अंदर गौवंश के सूचना मिली थी और तत्काल थाने की टीम वहाँ पहुँची, तो उसमें से 4 गौवंश जीवित पाए गए, जिनका ट्रीटमेंट करा के उनको गौशाला भिजवाया जा रहा है। 3 गौवंश मृत पाए गए और एम्बुलेंस में चूँकि ये परिवहन हो रहा था, तो इसको डिटेल इसकी ट्रेस करने के लिए अभी SDOP मौके पर हैं और वहाँ पर गाड़ी का इंजन नंबर 63 नंबर निकाल कर प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक रूप से एम्बुलेंस कहाँ की थी उसका पता लगाया जाए, क्योंकि जो AP का नंबर लिखा हुआ है उसकी नंबर प्लेट पे संभवतः वो नंबर ठीक नहीं है, तो अभी इस पर विवेचना प्रारंभ कर दी है। पूरा इसको हम लोग जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।